और लक्ष्मण भाई माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद बना रहे हैं। बाकी बिहारी जी करते रहे कृपा पूजा इधर, बहुत अच्छा लग रहा है। वो राक्षस कहने लगा चलो मेरे साथ हो, हम तुम्हें ऐसी जगह लेकर के चलेंगे वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वो राक्षस हो पवन रेखा को लेकर एकांत में आया, कुकृत्य करने लगा और धीरे धीरे वो अपने असली रूप में प्रकट हो गया। असली रूप को देखते ही पवन रेखा का सर चकराने लगा और कहने लगी कि हे पति देव, आपने कहा कि बगीचे में जाना भ्रमण करना, तो आजो। वो राक्षस पवन रेखा को लेकर एकांत में आया और पवन रेखा के साथ में कुकृत्य करने लगा और धीरे धीरे वो अपने असली रूप में प्रकट हो गया। असली रूप को देखते ही पवन रेखा का सर चकरा गया और कहने लगी अरे दुष्ट, आज तो तूने मेरे साथ में छल किया है। अरे अगर तूने मुझे अपना यही असली रूप पहले दिखाया होता तो मैं तुझे जला करके राख कर देती। और वो राक्षस कहने लगा रे जा पवन रेखा, तू संतान के लिए बहुत दुखी थी कि हमारी कोई संतान नहीं है, तो जा तेरी